जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का दोस्त एक सोल्जर फेर्डौस मंडल और मैं कुछ चीज आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा। और जो चीज हर दिन मुझे हजारों मतलब कमेंट आता है, सर एसएससी जीडी कब आएगा, दूसरा एग्जाम का भी। तो दोस्तों, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, उस टाइम कुछ चीज लिखा रहता है गवर्नमेंट बनने के लिए कितने सालों लगता है, एक मिनिस्ट्री एक मिनिस्टर होने के लिए कितना टाइम लगता है। हम लोग पढ़ते हैं हर 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट चेंज होता है, कौन चुनते हैं, जो सिविलियन है आम जनता है वही चुन के ले आता है सरकार को। और उस टाइम सरकार बोलते हैं युवा बड़े तो देश बड़े, यंग जिस देश में सबसे ज्यादा काम करते हैं और उस देश ज्यादा तरक्की में आते हैं, इससे ही बात है। आपको मालूम होता है कोई नोटिफिकेशन जब आता है इलेक्शन का कितने दिन के अंदर वो कंप्लीट होता है, सबको मालूम है। इसके लिए थोड़ा सा एक टाइम मिलता है, कितना हो सकता है, 5 महीना, 3 महीना और कितना हो सकता है। और चुनाव होता है कितने लोग देता है, उस जो स्टेट का है उस स्टेट का जो 18 वर्ष के उम्र से ज्यादा का जिसका उम्र होता है वो हर भाई लोग हर बहन लोग, सर आप लोग भी वो इलेक्शन के लिए वोट देते हो। और वो प्रक्रिया कंप्लीट होता है जिस दिन वोट हो जाता है उसके 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना के बाद, और वो मिनिस्टर तैयार भी हो जाता है कितना दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद एक बहुत सा बड़ा मंच करता है और करके पूरा मीडिया वो लोगों को देखता है जो देखो अभी सरकार बन गया, ये उमुक सरकार का है वो दूसरा सरकार का है, पूरा इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है। क्या है, हम लोगों का जो भाई लोग हैं वो लोगों का क्या कसूर है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पापा मामी और दूसरा अपन जो बंदा है वो लोग सोचता है हमारा बंदा कलेक्टर बनेगा, दूसरा सर्विस करेगा। जब बड़ा होता है कोई सोचता है हम सोल्जर बनेंगे। तो दोस्तों, इस एग्जाम एक बार होता है और दूसरा एग्जाम कितना दिन बाद होता है आपको मालूम है, जो रूल्स है कितने दिन के अंदर एक एग्जाम शुरू से लेकर जो पूरा कंप्लीट होने के लिए कितना दिन लगता है, वो शायद मुझे वो आयोग का नाम पता याद नहीं है, पर उसमें दिया हुआ है 6 महीना के अंदर एग्जाम लेके और वो कंप्लीट होने के लिए लगता है। तो अभी कुछ दिन पहले जो एसएससी चेयरमैन जी बोला है ना, उम्मीदवार बहुत बढ़ गया, 2009 और 8-9 में ये था 9 लाख कुछ 80,000 के आसपास। तो दोस्तों अभी 16-17 में अभी कितना आया, अभी बोल रहे 2,34,00,000। दोस्तों आप सवाल एक बात की है, जब कोई मिनिस्टर चुनाव होता है ना, कितना आदमी कितने लोग उसमें वोट देता है, वो चुनाव में कितना आदमी उसमें वोट देता है, क्या गवर्नमेंट नहीं पढ़ता? गवर्नमेंट चाहेगा तो जरूर पड़ेगा, जरूर पॉसिबिलिटी। तो जो हमारा बेकार जो बंदा है वो उम्मीद लो के बैठा है, जो हमारा सर्विस हो गया और हम लोगों का कब ये मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। कुछ बंदा तो इतना वो लोगों का उम्र हो गया जो वो लोग सर्विस के लिए भी तैयार है। आप लोगों का जरूर पता होगा, एक बंदा जब एग्जाम के लिए तैयार होता है ना, वो
ठीक से तैयार होने के लिए उसका 1 साल से 3 साल लग जाता है। कब? पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसका 3 साल लग जाता है। तो उसके बाद जब वो एग्ज़ाम के लिए बढ़ता है और वो रिजल्ट निकलते निकलते 3-4 साल निकल जाता है और वो सर्विस अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक जो जो सिलेक्ट होता है उसके लिए और भी कुछ टाइम लग जाता है। कुछ टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा 6-7 साल लग जाता है। तो दोस्तों ये क्यों है, ये प्रॉब्लम का क्यों सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? चाहेगा तो जरूर कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। तो क्यों ये बांदा लोगों का जो सर्विस के लिए इतना परेशान है, गवर्नमेंट ये बात को लेके क्यों कोई बात नहीं करता, कोई ट्वीट नहीं करता, कोई गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर इसके लिए बात नहीं करता? आखिर बोलो, 2015 साल में जो कांस्टेबल जीडी हुआ था और उसका अभी रिजल्ट आ गया, तो दूसरा जो अभी आ रहा है उसका अभी बोल रहा है जो केस चल रहा है, क्या स्पेशल कोई कोर्ट नहीं हो सकता जिसमें जल्दी जल्दी इसका फैसला हो जाए और जल्दी जल्दी जो हमारा भाई लोग जो उम्मीद लेके बैठा है वो लोगों का क्या कसूर है, वो लोग क्यों नहीं ये करता, ये मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करता, कोई आधिकारिक नहीं करता, कोई जो मिनिस्टर वगैरह होता है ये नहीं करता? और जब वोट मांगने के लिए जाते हो आप लोग क्या बोलते हो, जुबा को हर जो पार्टी है जुबा को लेने के लिए ये करता है, जो ये दूंगा प्रतिश्रुति जो करता है ना, भूरी भूरी करता है, इतना बेरोजगार को हम लोग ये कर दूंगा, बेरोजगार नहीं रहेगा इंडिया में। अरे यार, कब इसके सॉल्यूशन होगा? दोस्तों, हिंदी मेरा मादर टंग नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसके लिए खुद कदम उठाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हर बंदा को एक मंजिल चाहिए, एक आंसर चाहिए, क्यों इतना लेट होता है, ये बेकार बंदा को सुनने के लिए कोई नहीं है। और हम लोग ये मीडिया एकमात्र यूज कर सकते हैं, मालूम है कुछ ये होगा तो ये चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितना दिन है उतना दिन तो आप लोगों के साथ रहना चाहूँगा। बहुत सारा बोलने का था पर मेरी साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैं दूसरा वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप चुप मत रहो, एज निकल जा रहा है, गवर्नमेंट से पूछो गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है, कोई भी मीडिया से लेके सोशल मीडिया, बड़ा बड़ा आंदोलन होता है सोशल मीडिया में, जो बेकार आदमी है जो हम लोगों की तरह जो जे है ना, ये मतलब जो अभी बिजनेस चल रहा है जो बेकार बंदा को लेकर, कोचिंग सेंटर में भी चलता है, कोई भी जो कर रहा है ना, जो राजनीति जो बिजनेस कर रहा है, अभी सामने ये भी आ गया, सबको पता है जब कोई गांव में कोई रोड नहीं होता तो वो लोग ठीक इलेक्शन से पहले बोल देता है, भाई हमारा ये रोड बना दो, पूरा कंप्लीट करा दो, उसके बाद जो कर देगा उसको मैं हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे, ऐसा होता है हमारे इंडिया में। और उसके बाद वो रोड हो जाता है, पर आपको लिए जो बेकार बंदा है वो लोग क्या करे, कैसे बोले हम लोग वोट नहीं देंगे, हमारा जो सर्विस का जो वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं होता तो दूसरी बात है, वैकेंसी है वो कहीं क्यों नहीं निकल रहे, हम लोग नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अरे एक दो वोट से तो कुछ नहीं होता, वो लोग कुछ जाता था नहीं, पर एक आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाओ, एक मीडिया एक ये बनाओ जिससे आप लोग सवाल कर सकते हो गवर्नमेंट को क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो,
नहीं भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और आपको दिल चाहे तो हमारे चैनल के साथ रहो, जो नया बंदा है सब्सक्राइब करो और बगल में बेल वाला आइकॉन घंटी को बजा सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ था रहूँगा और कोशिश करेंगे इस सवालों को पूछने के लिए गवर्नमेंट से क्यों इलेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग भी वीडियो बना के मुझसे मेल करो, आप लोगों का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा गवर्नमेंट को। और पूरा जितना बंदा है, हमारा छोटा चैनल है, एक छोटा चैनल से ही शुरू करते हैं जो आप लोगों ये बात करेगा सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।